नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। तकनीक के क्षेत्र में दुनिया काफी तरक्की कर रही है और इसी तरक्की के साथ हथियारों की रेस में भी कई अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। इन्हीं प्रयोगों से निकला सबसे घातक हथियार है ड्रोन। ड्रोन्स की मदद से अमेरिका और उसके मित्र देशों ने अलकायदा और ISIS को लगभग खत्म कर दिया। ड्रोन की ताकत सब समझते हैं, लेकिन अगला दौर स्वॉर्म ड्रोन्स का है, यानी ड्रोन हमलावरों की एक ऐसी फौज जिससे बच पाना नामुमकिन हो जाए। अभी तक अमेरिका, चीन, इजराइल जैसे देश इस तकनीक पर काम कर चुके हैं और कामयाब रहे हैं, क्योंकि ये नई जंग है, सबसे आधुनिक हथियार है। इस रेस में अब भारत भी शामिल हो रहा है और आर्मी डे पर भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी स्वॉर्म ड्रोन की नई फौज। देखिए, नए जमाने के नए युद्ध के नए हथियारों की झलक देखिए। ये भारतीय सेना और भारतीय तकनीक की ताकत का प्रदर्शन है। ये हिंदुस्तान की नई फौज है जिसको कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन। ये सटीक है, खतरनाक है और अपने दुश्मन को मिटाकर ही लौटती है। स्थापना के 72 साल बाद ये भारतीय सेना का नया अवतार है। सैनिकों की तादाद के मामले में भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, पर अब ये तादाद के बजाय तकनीक पर ज्यादा भरोसा कर रही है। भारतीय सेना अब ऐसे हथियारों पर महारत हासिल कर रही है जिनके बारे में कुछ साल पहले तक सोचना भी ख्वाबों की बातें लगता था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 75 ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान ली। इस उड़ान को देखकर चीन की आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि उन्हें अभी तक लगता था कि स्वॉर्म ड्रोन के मामले में भारत मीलों पीछे। लेकिन ये तस्वीर उनके लिए सबक है कि भारत से उलझना उनके लिए खतरनाक। आतंक की लड़ाई में स्वॉर्म ड्रोन्स, आतंकियों के हाइडआउट्स, उनके कैंप्स, जैसे कि बालाकोट जैसे कैंप्स, या फिर उनके लॉन्च पैड्स, ऐसी जगहों पर हमला करने के लिए काफी मुफीद साबित होंगे। ये आतंकियों के ठिकानों में घुसकर एक एक आतंकी को मार सकेंगे। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हमलों को अंजाम देते हैं ड्रोन्स, और सोचिए कि एक साथ 75 ड्रोन्स अगर अपने साथ बारूद लेकर उड़ान भर रहे हों तो दुश्मनों पर किस तरह का कहर बरपेगा। भारत, भारतीय वायुसेना के लिए भी स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इन्हें किलर ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये हवाई जहाज के जरिए या फिर हाई एल्टीट्यूड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल के जरिए टारगेट एरिया से दूर रिलीज कर दिए जाते हैं और टारगेट एरिया पर ये लॉयटर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आसमान में खास तरीके से स्वॉर्म ड्रोन उड़ान भरते हैं। कोई भी देश उन पर सटीक निशाना नहीं लगा सकता। अगर एक को भी निशाना लगा तो उतनी देर में दूसरा ड्रोन उसको तबाह कर सकता है। यही स्वॉर्म ड्रोन की खासियत है। ड्रोन्स यानी अनआर्म्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के अंदर सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ टारगेट एरिया में जाते हैं और उसके बाद वो जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता छिड़ता है, अलग अलग हो जाते हैं और हर ड्रोन कुछ ना कुछ काम या टास्क करने के लायक होता है। भारत के इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर तक घुसकर हमला कर सकता है। चुने हुए खास 75 टारगेट पर एक साथ या बारी बारी पिन पॉइंट हमला कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमला कैसे होता है। सबसे पहले मदर स्वॉर्म ड्रोन अपने बेस से उड़ान भरते हैं। ये अपने टारगेट की ओर खास दूरी पर एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। इस फॉर्मेशन में होने की वजह से एक साथ इन पर कोई हमला नहीं कर पाता। आसमान में काफी ऊंचाई से ये ड्रोन्स अपने टारगेट पर निगाह रखते हैं। मदर स्वॉर्म ड्रोन पर लगे कैमरे से
टारगेट की तस्वीर लगातार बनी रहती है। दुश्मन के पास पहुंचकर उसकी पहचान होने के बाद मदर स्वॉर्म ड्रोन हमले के लिए अपने चाइल्ड ड्रोन को आदेश देती है और वो उसे छोड़कर टारगेट पर हमला करने निकल पड़ता है। इस छोटे स्वॉर्म ड्रोन के पास होता है बारूद, जो टारगेट पर घिराना उसका एकमात्र मकसद होता है। एक बार टारगेट कंफर्म हुआ तो फिर चाइल्ड स्वॉर्म ड्रोन बारूद गिराता है। इस तरह से ये एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा जब यह तैयार हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अगर ये कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो रूस करेक्शन अमेरिका और फ्रांस के बाद ये तीसरा देश होगा जिसके पास ये अपनी स्वनिर्मित टेक्नोलॉजी होगी। निशाना कुछ भी हो सकता है, वो दुश्मन की राडार पोजीशन हो सकती है या आतंकियों का कोई ठिकाना हो सकता है, वो दुश्मन की मोर्टार पोजीशन हो सकती है या फिर कोई दुश्मन टैंक ही क्यों ना। टारगेट चाहे एक जगह रुका हुआ हो या फिर हिलता डुलता रहे, स्वॉर्म ड्रोन से बच नहीं सकता। अभी किसी भी देश के पास एक्टिव एंटी स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम नहीं है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जब भी कोई वेपन सिस्टम बनता है तो उसका काउंटर काफी जल्दी बन जाता है और शीघ्र ही इसका काउंटर बनेगा भी। लेकिन स्वॉर्म ड्रोन से बचने के लिए पैसिव तरीकों का इस्तेमाल अभी भी सेनाएं करती हैं। स्वॉर्म ड्रोन से बचना किसी भी देश के लिए मुश्किल है क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई भी देश स्वॉर्म ड्रोन के हमले से बचाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम विकसित नहीं कर पाया है। यही वजह है कि स्वॉर्म ड्रोन का युद्ध भविष्य का युद्ध है। सभी देश स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों पर हमले की सोच के साथ तैयार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वॉर्म ड्रोन कई दूसरे तरह के काम में भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत के जिन 75 स्वॉर्म ड्रोन्स ने उड़ान भरी, वो ड्रोन्स एक बार में 600 किलोग्राम तक बारूद ले जाने में सक्षम है और यही बात उनको सबसे खतरनाक बनाती है। जब पिछले साल अक्टूबर में चीन ने स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया था, तभी यह तय हो गया था कि भारत को बहुत जल्द इस तकनीक में महारत हासिल करनी है। खास बात यह है कि सेना ने इस तकनीक को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र की कई छोटी छोटी कंपनियों और वैज्ञानिकों का सहारा लिया। ये रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट में नए युग की शुरुआत का भी संकेत है। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अमेरिका, रूस, चीन, ये वो देश हैं जो स्वॉर्म ड्रोन तकनीक पर काम कर रहे हैं और उनके पास स्वॉर्म ड्रोन से हमला करने की ताकत है। भविष्य की लड़ाई में इंसानों से पहले मशीनें ही लड़ेंगी और स्वॉर्म ड्रोन युद्ध की पहली लहर होगी। इसलिए जरूरी था कि भारत इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए और भारत अब तैयार भी हो गया है। आप ये सोच सकते हैं कि स्वॉर्म ड्रोन को क्यों हम इतना खतरनाक बता रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखकर और समझकर। आप चाहें कहीं भी बैठे हों, एक मोबाइल या लैपटॉप के जरिए कई किलोमीटर दूर बैठा इंसान उंगलियों के इशारे पर आपके ऊपर जोरदार हमला कर सकता है, वो भी चुन चुन कर। यही स्वॉर्म ड्रोन्स की खासियत है। स्वॉर्म ड्रोन में स्वॉर्म का मतलब है झुंड। ये ड्रोन भी झुंड की तरह हमला करते हैं। एक साथ दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन्स अपने निशाने पर गिरते हैं। आने वाले दिनों में स्वॉर्म ड्रोन हमले बढ़ जाएंगे क्योंकि मधुमक्खियों के झुंड की तरह इनसे निपटना मुश्किल होता है। ये दुश्मन देश के एयर डिफेंस को मात दे देते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स एक साथ कई दिशाओं से हमला करते हैं। एयर डिफेंस तय ही नहीं कर पाता कि किस पर हमला करना है और किस पर नहीं। इसी वजह से ये भविष्य के युद्ध के हथियार हैं। क्लस्टर बम्ब्स का इस्तेमाल पिछली शताब्दी में बड़े पैमाने पर हुआ था।
और स्वार्म ड्रोन ऑपरेशंस इसी पर आधारित हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स में एक मदर बम से कई छोटे छोटे बम निकलते हैं और बॉम्ब्स की बारिश होती है। स्वार्म ड्रोन ऑपरेशंस में एक मदर ड्रोन से कई छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जिनमें से हर ड्रोन का निशाना या काम तय होता है और ये ड्रोन किसी क्रूज मिसाइल की तरह अपने निशाने को तबाह कर देते हैं। इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स के आने पर उनसे बचाव कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। दुनिया में इस तरह के हमले को रोकने के लिए अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम विकसित नहीं किया जा सका। स्वार्म ड्रोन्स इसलिए भी खतरनाक माने जाते हैं कि अगर ये दुश्मन देश की सीमा में जाकर किसी टारगेट पर हमला नहीं भी कर पाए या दुश्मन कुछ ड्रोन को मार गिराने में कामयाब भी हो गए तो भी ये स्वार्म ड्रोन्स दुश्मन के रक्षा कवच को बर्बाद तो कर ही देंगे। उस सूरत में भी मौका होगा दुश्मन पर हमला करने का। ड्रोन, एवाक सिस्टम, बाकी मानव रहित प्रणाली, रोबोट्स और लेजर सिस्टम, ये जो है भविष्य के हमारे अगले युद्ध संचालन के हथियार होंगे और इसमें जो है आईटी सेक्टर का और साइबर सिक्योरिटी और तीसरा जो स्पेस है वो जो उपग्रह होते हैं उनका भी रोल बढ़ता जाएगा। तो भविष्य का युद्ध जो है वो मानव लड़ेगा मगर वो मानव रहित संसाधनों से युक्त होके ही लड़ पाएगा। सोचिए झुंड में मधुमक्खियां हमला कर रही हो तो आप कहां तक बच सकेंगे। सभी मधुमक्खियों से एक साथ निपटना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह स्वार्म ड्रोन हमलों से निपटना अभी किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। इन हमलों से निपटने के लिए दूसरे देश के पास भी ऐसी ही ड्रोन आर्मी होनी चाहिए जो इनसे मुकाबला कर सके और भारत इस तरह के हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी तक हमने आपको दिखाया कि ड्रोन किस तरह से भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है। ये दुश्मन के देशों पर घातक हमला भी कर सकता है, साथ ही स्वार्म ड्रोन अटैक से निपटने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल कई दूसरे कामों के लिए भी हो सकता है और ये सेना को मजबूती देता है। अपने बेस से स्वार्म ड्रोन जब उड़ान भरेंगे तो उनका मकसद सिर्फ ये ही नहीं होगा। ये स्वार्म ड्रोन सिर्फ दुश्मनों के ठिकानों पर बम ही नहीं गिराएंगे, ये भारतीय सेना की कई दूसरी ऐसी मदद करेंगे जिसके लिए अभी सैनिकों के साथियों को उनके पास भेजा जाता था। युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन्स भारत के बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि ये 75 ड्रोन 60 किलोग्राम वजन तक उठा सकते हैं। इस स्थिति में ये ड्रोन्स मेडिकल का सामान सैनिकों तक पहुंचा सकते हैं। दुश्मन के आने वाले दस्तों पर चाहे वो बख्तरबाद या टैंक गाड़ियां हो या गाड़ियां हो या फिर आतंकी हो या दुश्मन के इलाके में लॉन्च पैड हो, हर तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमा की सुरक्षा के लिए स्वार्म ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। सोचिए कि युद्ध की स्थिति है और किसी खास लोकेशन पर भारतीय सैनिक घायल हैं, उन्हें कुछ दवाइयां पहुंचानी, उस स्थिति में ये होगा। ये स्वार्म ड्रोन मेडिकल किट लेकर बेस से उड़ान भरेंगे और सीधे उन सैनिकों के लोकेशन तक पहुंचेंगे। स्थिति का जायजा लिया जाएगा और फिर धीरे धीरे ये ड्रोन उनकी लोकेशन पर लैंड करेगा। फिर वहां मौजूद सैनिक ड्रोन पर लगे पेलोड को उससे अलग करके उसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार पेलोड पहुंचाने के बाद ये ड्रोन वापस बेस स्टेशन की ओर उड़ान भर देगा। अभी तक इस काम के लिए दूसरे सैनिकों को भेजा जाता था जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों की मदद करते थे। इसके अलावा ये स्वार्म ड्रोन एक साथ कई लोकेशन पर खाने पीने का सामान भी पहुंचा सकते हैं। पैराशूट से पहुंचाई जाने वाली चीजें जिसमें हथियार या कई दूसरे सामान होते हैं वो भी इन ड्रोन्स के जरिए पहुंचाया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन एक साथ कई लोकेशन पर ये सभी सामान पहुंचाने में सक्षम। आर्मी डे के मौके पर इन्हीं ड्रोन्स ने सेना के अधिकारियों और परेड में मौजूद लोगों का स्वागत इस तरह से फूल बरसा कर किया। स्वार्म ड्रोन की खासियत का कई तरह से इस्तेमाल किए जाने की तैयारी हो रही है।
पहाड़ों के दूर दराज के इलाकों में भी सैनिकों तक सामान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।